रहमान रहीम, वेलकम टू एक्सीलेंट ई लर्निंग प्रोग्राम। टुडे वी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस तीन हैं और तीनों का तरीक़ेकार एक जैसा ही है। तो अगर मैं उसको पहले डिस्कस कर लूं कि हमने इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो बेहतर होगा। तीनों एप्लीकेशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए। अब तरीक़ेकार क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है एक बेसिक फार्मूले से, जिससे हमने ये डिफाइन भी किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ ए सरफेस। इसको हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लेंगे। फिर अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे बाई यूजिंग गॉसेस लॉ। वो ये है, उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके सामने, फाई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये दो डिफरेंट मेथड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, वहां से भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये तीनों एप्लीकेशंस में हमने यही काम करना है, यही तरीक़ेकार होगा। तो अगर हम तरीक़ेकार को ज़रा मेथडोलॉजी को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए इजी होगा। तो यही हमने तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है। तो भाई पहली एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो ये टाइटल पे ज़रा अगर हम गौर करें तो दो तीन बातें हैं इसमें कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लें, ये फाइंड आउट करना है। कहाँ करना है? इनसाइड हॉलो, खाली होगा और चार्ज होगा और एक ये स्फीयर होगा, फिर अंदर से खाली है और चार्ज्ड है। यहाँ देखें, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये किस तरह का इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव चार्ज। तो इनसाइड मालूम करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके, और ये हॉलो होगा, चार्ज स्फीयर होगा। ठीक, तो ये फिगर में ज़रा आप देख लें कि ये जो कंटिन्यूस लाइन है ब्लैक, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और ये अंदर से खाली है, हॉलो है। तो लेट हम इसके ऊपर कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज ज़्यादा कमुलेट हो गया, कहीं कम है, कहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो एंटायर इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज मौजूद है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, राइट। अब इसके अंदर क्योंकि हमने गॉसेस लॉ को भी अप्लाई करना है और एक गॉसियन सरफेस भी हमें चाहिए होगी, तो उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, जिसका वो भी एक स्फीयर की ही तरह की सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो हम सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। उसका रेडियस है आर डैश, और ये आप फिगर में भी देख रहे हैं कि आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर, राइट। अब ये इनसाइड ही हमने गॉसियन सरफेस क्यों ली है? इनसाइड लेने का मकसद ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको इनसाइड फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब जी वो तरीक़ेकार हम यूज़ करते हैं, बेसिक फार्मूला आपके सामने है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई डॉट ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा गॉसेस लॉ है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू
वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। अब अगर हम इस फिगर पे ही ज़रा गौर करें तो हमने ये टाइटल में भी कहा कि ये हॉलो है, अंदर से खाली है, चार्ज तो भाई इसकी सरफेस के ऊपर है। तो ये जो गाजियन सरफेस हम ले रहे हैं, फिर इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा, तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसमें ये जो गाज़ेज़ ला है, इसमें Q को फिर ज़ीरो कह देंगे, तो फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, E डॉट A इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। लेकिन ये जो हमारा A है ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं ज़ीरो होगा भाई, अगर हम कोई गाजियन सरफेस ले रहे हैं तो उस सरफेस का कोई एरिया भी होना है और वो ज़ीरो नहीं होगा, लिहाजा A कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है फिर कि ये E ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर ज़ीरो होगी इसके इनसाइड, ठीक है जी। तो ये, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि ये स्फेरिकल शेप की ये कोई हम स्फीयर था या कोई बॉक्स भी ले रहे हों, उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो ही होगी, ठीक है जी। तो ये फिर हमने फाइंड किया कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, ठीक। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेज़ लॉ। नाउ सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, लेकिन एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अब जारी बात है कोई चार्ज शीट होगी तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और अगर इसके ऊपर सारी के ऊपर एंटायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होगा वो इसके करीब तो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, लेकिन एंड से वो वीक हो जाएगा। तो अब अगर हम इतने पार्ट में चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म रहे तो इतनी ही फिर ये शीट नहीं लेंगे, बल्कि इससे कुछ बड़ी शीट ले लेंगे ताकि यहाँ इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यानी इन्फिनिट शीट से मुराद आपने ये नहीं समझ लेना कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही, जितने हिस्से पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उससे थोड़ी सी बड़ी आप शीट ले लेंगे, दैट इज़ इन्फिनिट शीट। यहाँ भी इसके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर देखते हैं फिगर में कि एक आपको इन्फिनिट शीट, ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी सी और बड़ी हम शीट ले रहे हैं, एक्सटेंडेड है थोड़ी सी, जिसको हम इन्फिनिट शीट का नाम देते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इट मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ एक टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके नाम पे ही गौर करें, सरफेस का एरिया होता है और ये क्योंकि चार्ज डेंसिटी है तो ये चार्ज होगा पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, इसको भाई सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है उसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया
क्यू ओवर ए, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। ठीक, तो ये भाई इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट रहेगी, जो जब भी हम यूनिट एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर ये सिग्मा चार्ज जो होगा वो एक जैसा ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म कर रखी है। अब हम एक गाजियन सरफेस भी ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं इस तरह का, यूं ही समझ लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, इस तरह की हम गाजियन क्लोज सरफेस को ले रहे हैं। इसके भी दो एंड फेसेस हैं और एक इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक, दो एंड फेसेस हो गए और एक ये बाकी की जो सिलेंड्रिकल या कर्व्ड सरफेस कह लें आप। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए वही तरीक़ेकार कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे बेसिक फार्मूले से और गाज़ेज़ लॉ को यूज़ करते हुए, फिर उन दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आएंगी उनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो यही मेथड यहाँ भी अप्लाई हो रहा होगा। तो ये चूँकि हमने ये जो गाजियन सरफेस ली है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहाँ मालूम करना चाहते हैं, इस प्लेट के करीब, इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्लेट, नॉट, अगर देखें बहुत दूर की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं, तो इसके बिल्कुल करीब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी। से इट इज़ पॉइंट पी, तो पी पॉइंट के ऊपर हम देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। वो पी पॉइंट एक तरफ भी हो सकता है और दूसरी साइड पर भी हो सकता है, तो दोनों तरफ हम इसको शो कर रहे हैं। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस शीट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम एंड फेस की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस एंड फेस का वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे, इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। इसी तरह इधर इस एंड फेस के लिए भी यही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस एंड फेस के वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करेंगे तो ये देखें सिलेंड्रिकल सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं अगर, तो इसका वेक्टर एरिया सिलेंड्रिकल सरफेस का इस तरह से होगा जो आपको मैं इधर शो कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिलेंड्रिकल सरफेस के वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 होगा। ठीक, तो ये भी मैंने आपको ये फिगर को ज़रा डिस्कस कर लिया कि हम गाजियन सरफेस कौन सी ले रहे हैं, किस तरह की, और उसके हमने तीन पार्ट्स किए हैं, दो एंड फेसेस और एक सिलेंड्रिकल सरफेस। तो अब हम बारी बारी तीनों पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम उनको एड अप कर लेंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे बेसिक फार्मूला यूज़ करते हुए। ई डॉट ए, तो फाई वन इस एक एंड फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई टू ये इस एंड के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और फाई थ्री हमने नाम दिया है जो सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो भाई ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा जो कि ज़ीरो है तो ई ए आ जाएगा हमारे पास फाई वन, इसी तरह फाई टू भी इतना ही आ जाएगा, ई ए दूसरे एंड फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है। नौ, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ज़ीरो आ जाएगा। क्यों ज़ीरो आ जाएगा, कि थीटा 90 था और कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है, तो ये फाई थ्री हमारे पास फिर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट्स जो हमने किए थे इनके थ्रू हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया है बाई यूजिंग बेसिक फार्मूला। नाउ टोटल फ्लक्स तीनों को भाई एडअप कर लेंगे, ई ए प्लस ई ए प्लस ज़ीरो, तो ये टू ई ए आ जाएगा भाई हमारे पास। नौ, गाज़ेज़ लॉ जो कि वन ओवर फोर, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू है, इसको यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। इसमें ये क्यू जो है ये क्या है,
ये है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। भाई हमें इस एंटायर शीट के ऊपर चार्ज नहीं चाहिए, हमें ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ, हमें इस ए एरिया के ऊपर चार्ज चाहिए। इतना ही चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा बाई दिस क्लोज्ड सरफेस, राइट। हमें सारी शीट के ऊपर चार्ज की ज़रूरत नहीं, हमें किस चार्ज की ज़रूरत है जो इनक्लोज्ड होगा क्लोज सरफेस में, जिसको मैंने शेड किया हुआ है। इतने हिस्से पे कितना चार्ज है हमें वो चाहिए। तो भाई यूनिट एरिया पे सिग्मा होता है, ए एरिया पे निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिग्मा इनटू ए, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो भाई इसमें पुट कर देंगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो ये सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये भाई दो तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, बेसिक फार्मूले से और गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हुए। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से नीचे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो साथ इसकी डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगी, तो डायरेक्शन को हम आर यूनिट वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ये अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर एरो हेड डला हुआ है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। नाउ अब सवाल ये है कि ये डायरेक्शन को लिख तो हमने आर यूनिट वेक्टर से दिया है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई। तो फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करेंगे, जो आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करना हो, उस पॉइंट के ऊपर हम ये टेस्ट चार्ज को रखेंगे और रिलीज कर देंगे। जोन सी डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो अब अगर पी पॉइंट के ऊपर हम फाइंड करना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे और छोड़ देंगे। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो देखें वो टेस्ट चार्ज अवे मूव करेगा, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो वो इसके टूवर्ड्स मूव कर जाएगा। अब ये तो डिपेंड करेगा कि ये जो इन्फिनिट शीट हम ले रहे थे वो पॉजिटिवली चार्ज थी या फिर नेगेटिवली चार्ज थी। तो तरीकेकार हमने टेस्ट चार्ज को यूज़ करना है भाई, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।